नीचे उतरी एक नई सुबह, देखा रहा नई सुबह, एक नई सुबह, देखा रहा नई सुबह, मुनाने आई, हंसने और हंसाने आई, एक नई सुबह, देखा रहा नई सुबह। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में। कैसे आप लोग, क्या हाल चाल है? बाहर की आमद से मूड, मिजाज, मौसम सब कुछ एकदम से खिल सा जाता है ना, और कपड़ों के रंग भी। आज सबके चेहरे बड़े खिले खिले से हैं, तो कितना असरअंदाज होता है हमारे इर्द गिर्द जो माहौल होता है, हमारे आस पास जो सब कुछ चल रहा होता है। आज जिस चीज़ के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ, उस पर बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम आज अपना प्रोग्राम दो पैटर्न्स पर रख के कर रहे हैं। एक तो इसका मतलब यह है कि वो इन्फॉर्मेशन दी जाए, वो इन्फॉर्मेशन जो कि ख़वातीन बाज़ुकात शर्म, झिझक या फिर माशरती दबाव या रसाई ना हो पाने की बाइस हासिल नहीं कर पाती हैं और उन्हें चाहिए होती है। दूसरी ये कि वो मदद दी जाए, वो कपल्स, वो जोड़े जो कि बे औलाद हैं और जिनके ऊपर अल्लाह ताला का रहम और करम हो सकता है और इतना महंगा इलाज वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ये ऑफ़र किया जाए कि आज के हमारे प्रोग्राम में जो एक्सपर्ट्स आपसे मिल रहे हैं वो तमाम अपनी सर्विसेज आपको दे रहे हैं, और आठ या उससे ज़्यादा भी कोई भी ऐसे कपल्स जितने हमें समझ में आएंगे वो उनको हम ये ऑफ़र कर सकते हैं कि वो फ्री ट्रीटमेंट और इलाज, भले वो कोई सा भी इलाज हो, जिसके ज़रिए से कि अल्लाह ताला उनकी उम्मीद पूरी करे, उनकी ख्वाहिश पूरी करे और उनको औलाद अता फरमाए, हम उन्हें ऑफ़र करेंगे। और आज के हमारे प्रोग्राम में जो लोग भी हमें कॉल करेंगे वो ये फैसिलिटीज़ हासिल कर सकेंगे। अच्छा, अल्लाह ताला की तरफ से हम सब दुआ मांगते हैं, और दुआ में हम लोग एक चीज़ ज़रूर मांगते हैं, अल्लाह ताला अपना रहम करना, अपना करम करना। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने ख़ुद भी रहमान और रहीम खुद को कह के तो दोनों का जिक्र कर दिया। ये दोनों अलग अलग सिफात हैं। किसी बुजुर्ग से पूछा गया कि ये रहम और करम में फ़र्क क्या होता है, जो अलग अलग मांगते हैं हम दोनों चीज़ों को, तो दो फ़र्क चीज़ें होंगी ना। तो बताया गया कि रहम वो है जो अल्लाह ताला से मांगने पर मिले, और करम वो है जो बिन मांगे मिल जाए। सो बाज़ लोगों पर करम अल्लाह ताला की इंतहा होती है। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे खुश नसीब जिनको हम कहते भी हैं कि खाने के लिए अगर नहीं भी है कुछ, लेकिन औलाद की नेमत से मालामाल है, उनको ये तंगी, उनको ये दुश्वारी, उनको इस तलखी, उनको इस जिसे कहते हैं मुश्किल का सामना ही नहीं करना पड़ता कि औलाद नहीं है। और बाज़ लोग ऐसे हैं कि उनके पास सब कुछ है अल्लाह का दिया, और वो तरसते हैं इस चीज़ के लिए कि उन्हें कोई एक ऐसा औलाद में असर हो, लेकिन उन्हें उनकी खुशी पूरी नहीं होती, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। सो बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की तरफ से सब्र का, ज़ब्त का, शुक्र का इम्तहान भी होता है, और इम्तहान ही होता है क्योंकि हमें कुछ दे के और कुछ लेके आजमा रहा होता है। आज हमने अपने प्रोग्राम में तो ये सारी बातें करनी है, सो कि हेल्थ के इशूज़ क्या होंगे, साइकेट्रिक इशूज़ क्या हैं, न्यूट्रिशन के इशूज़ क्या हैं, और अगर कोई भी खातून, अब इसमें तीन एंगल से हम बात करेंगे। एक तो ये कि हम लोग जब भी शादी होने वाली होती हैं, सारी मेरे सामने बच्चियाँ बैठी हुई डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं ना, शादी से किसी ने पहले कभी की हो या ना हो, 3 महीने या 6 महीने पहले हम लोग ज़रूर क्रैश डाइट करते हैं, और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि उस डाइटिंग से हमारी सेहत पे और हमारे जिस्म पे क्या असरात पड़ गए। बाज़ औक़ात उस डाइटिंग की वजह से हम इतना अपने आप को मुतासर कर लेते हैं कि फिर उसकी वजह से प्रेगनेंसी और इस तरह के मामलात इफ़ेक्ट होते हैं, और शादी के फ़ौरन बाद आपको पता है हमारे यहाँ पर तो एक सोशल प्रेशर क्रिएट हो ही जाता है। पहले थोड़े अरसे के बाद सास साहिबा जो पूछना शुरू कर देती हैं कि हाँ जी जनाब, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, और ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब किसी भी खातून के पास नहीं होता, इससे कि ऑब्वियसली ये अल्लाह के हाथ से होता है जो भी होता है। आज हमने अपने प्रोग्राम में इन तमाम इश्यूज पर, मौजूदात पर बात करनी है, ताकि आप तफसील से जान सकें कि मसला कैसे होता है, क्यों होता है, उसका हल क्या है। आप भी कॉल करना चाहें तो शो में शामिल हो सकते हैं, नंबर्स हमारे आपके सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे, और यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारी खवातीन बैठी हुई हैं। मैं चाह रही हूँ कि मैं आपसे भी पूछूँ कि बच्चा कितना ज़रूरी है, मतलब किसी भी खातून के लिए, औरत के लिए कहते हैं ना कि खातून के लिए बच्चा बहुत ज़रूरी है, तो क्या वाकई बहुत ज़रूरी है कोई जिनको लगे? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैम, बच्चा बहुत ज़रूरी है शादी के बाद। अगर बच्चा नहीं होता तो ससुराल में बड़े मसले मसाइल होते हैं, तो औरत का वो जीना मुश्किल हो जाता है जी, और बहुत ज़्यादा परेशानी बन जाती है हस्बैंड की तरफ से भी और ससुराल वालों की तरफ से भी। अच्छा, और ये है कि शादी के बाद जो है वो
बच्चा बहुत जरूरी है, और जाहिर है कि शादी के बाद बुढ़ापे का सहारा भी बच्चा ही होता तकरीबन, पिछले रिश्ते तो सारे जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। हाँ। तो बच्चा मेरे ख्याल से सिर्फ इसमें जरूरी है कि ससुराल वालों को चाहिए होता है। ससुराल वालों के इसके अलावा भी कोई और वजह होती है? जी मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे घर में औलाद नहीं है। मेरे मियाँ को भी पता है, मेरी सास को, बहन को, घर वालों को, सबको पता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसे नौकरानियों से भी बदतर हाल होता है। और सिर्फ इसे कि आपके यहाँ औलाद नहीं है? जी हाँ जी, मेरे यहाँ औलाद नहीं है। अच्छा। और मैं बहुत बुरे हाल में रहती हूँ, हर वक्त सास के तानों से बस बंदी रहती हूँ मैं। तो आपके हस्बैंड ने वो अक्सर ऐसा कुछ हो तो दूसरी शादी के लिए बड़ी माकूल वजह होती है कि औलाद नहीं है, माफ कीजिएगा लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो कुछ कहने नहीं देते हैं। अच्छा। कुछ भी उनके आगे बोलने नहीं देते हैं। नहीं। मैं अक्सर परेशान रहती हूँ इसी मसले। और अगर आप इजाजत दें तो मतलब आपने कभी इलाज कराने की कोशिश की, पता चला कि मसला क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है? जी इलाज मैंने नहीं करवाया, और क्योंकि सास ताने देती रहती है कि बस तुम्हारे में मसला है, तुम्हारे में मसला, बगैर जाने में, बगैर कोई जी, बगैर टेस्ट जाने में। जी अच्छा। सो ये वो सूरत हाल है जिनका हमें सामना करना पड़ता है माशरे में, और बहुत सारी ऐसी खवातीन है जिनका जो केस का सामना करती हैं, लेकिन आजकल जहाँ बहुत सारी और एडवांसमेंट्स हैं वहाँ पे साइंस ने इतनी तरक्की भी कर ली है कि बहुत सारे ऐसे तरीका इलाज जरूर मुहैया हो गए हैं कि जिनके साथ हम कोशिश कर सकते हैं। अगैन इंसान हीला कर सकता है, वसीला तो अल्लाह ताला की ज़ात है, और अल्लाह ताला की ज़ात ही के हाथ से ही मिलता है, अल्लाह के हजूर से ही मिलता है। अंबिया ने भी दुआएं की हुई हैं, और कुरान हकीम में मुख्तलिफ सूरह मुबारका में उनका तस्करा है, सूरह बकरा, सूरह मरियम में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, हज़रत ज़िक्रिया की दुआ, ये दोनों ऐसे अंबिया थे कि जिनको बुढ़ापे में औलाद अल्लाह ताला ने नसीब की, और ये एक मौजज़ा भी था। सो अल्लाह पाक अगर उनको दे सकता है और अपने ऐसे लोगों को दे सकता है तो बहुत सारे और लोगों को भी ये नेमत जो है वो मुहैया हो सकती है अगर हम उससे मांगें। आप कुछ कहना चाह रही हैं मुझसे? जी औलाद का होना जरूरी है, क्योंकि बहुत जरूरी है। अपने जी अपने लिए भी और अपने खानदान के लिए भी, बिल्कुल, क्योंकि बेटा हो या बेटी हो ये उसकी रजा है, लेकिन औलाद नस्ल बढ़ाने के लिए औलाद लाजमी है। ये हर एक की ख्वाहिश होती है कि हमारे यहाँ औलाद हो, हमारी नस्ल बढ़े, लेकिन मुझे लग रहा है सास या उसका कोई इशू नहीं है, ये शोहर भी यही चाहता है, बीवी भी चाहती है, और माँ की माँ बनना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है इंसान की अपनी माशरे में फुलफिलमेंट के लिए, बहुत जरूरी है। ये अब ट्रीटमेंट करवाएं या ये अल्लाह की रजा जिसे हाँ। भी दे औलाद, लेकिन मुझे जरूरी लगता है इसलिए बहुत जरूरी है कि इसलिए कि जब हम खुद माँ बनते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी माँ ने फिर क्या क्या कुछ हमारे लिए किया था। उससे पहले तक जैसे सब लोग बैठे हुए, कोई अंदाजा नहीं होता कि क्या कुछ किया गया है हमारी तालीम और तरबियत के लिए, हमारी जिंदगी के लिए। कॉलेज में साथ साथ रहेंगे, उनको हम शामिल करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, खराब है, बहुत अच्छी लग रही है आपका, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी आपका शो मैं तब से देख रही हूँ, जब एटीवी पे लगता था तो हम बहुत ही ट्राई करते थे लेकिन कॉल नहीं मिलती थी। चलो सीधा यहाँ पे मिल गई, फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिल गया, बहुत शुक्रिया। आज हमारे इसी तरह से जो कॉलर्स कॉल कर रहे हैं वो उमरा के लिए पैकेज में शामिल हो रहे हैं, और हम जुमे वाले दिन लकी ड्रॉ अपना करते हैं जिसमें से कोई एक खुशनसीब उमरे का रिटर्न टिकट जो है वो हासिल करता है। आज हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर, कोई सवाल इस हवाले से आपके जहन में है? बच्चे तो बहुत जरूरी होते हैं, मेरी भी दो बेटियां हैं, अगर ना हो तो कोई नंद कोई जिठानी वो बहुत सारे मसले खड़े कर देती हैं, मसले खड़ी कर देती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपने ठीक कहा, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, शो का हिस्सा बनी। लेकिन मुझे लग रहा है हम सारी जो बातें करें लोगों के लिए करें, बच्चे लोगों के लिए थोड़ी चाहिए होते हैं पैदा करने, अपने लिए चाहिए होते हैं कि हमें इंसान को जिंदगी में एक मुकम्मल फैमिली का, अपने मुकम्मल होने का, किसी के अपने होने का एहसास जो है वो भी हो। अच्छा, प्रोग्राम ब्रेक के बाद जब मैं आपसे मिलूंगी तो आपकी मुलाकात अपने मेहमानों से कराऊंगी, जिसमें हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर हजमत होंगे, हमारे पास हमारे साइकेट्रिस्ट होंगे डॉक्टर इंतखाब, हमारे पास हमारी गायनोकोलॉजिस्ट, और उसके साथ साथ हमारी एक्सपर्ट फर्टिलिटी एक्सपर्ट होंगी डॉक्टर साजदा शाह नवाज, हमें हकीम साहब ज्वाइन करेंगे, हकीम अहमद सलीमी, और हमें तमाम एस्पेक्ट्स और एंगल से आपको बताएंगे वो खुराक, वो चीज़ें जो कि अर्ली चाइल्डहुड से ही बच्चों को देना जरूरी है, ताकि अव्वल तो उनके अंदर इस तरह के मसाइल पैदा ना हो, और अगर खुदा ना खासा इस तरह का कोई मसला एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका फिर इलाज क्या हो सकता है, ये जानने के लिए साथ रहिएगा। सुबह बेहतर तो दिन बेहतर, लो जिंदगी गुनगुनाने आई, हंसने और हंसाने आई।
खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब, एक नई सुबह में आज हम कोशिशें कर रहे हैं कि एक तो वो तमाम लोग जो कि औलाद की नेमत से महरूम है और चाहते हैं और ख्वाहिश रखते हैं कि कोई ऐसा तरीका इलाज जो कि उनकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर है किसी तरह से वो उसको करवा सके, ताकि एक कोशिश की जा सके और हो सकता है कि अल्लाह ताला उनकी कोशिश जो है उसको रंग लगाए और अल्लाह ताला उन्हें औलाद की नेमत नसीब करे। तो हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे वो आपका फ्री ट्रीटमेंट और इलाज करेंगे। उसके लिए आपको हमसे रब्ता करना है और स्क्रीन पर हमारे आपके सामने एक नंबर आ रहा होगा, दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं और फ्री इलाज जो है उन तमाम कपल्स के लिए जो कि हमसे रब्ता करेंगे, हम उनमें से सिलेक्ट करेंगे कि कौन से हैं। हमने पहले भी अनाउंस किया था, बहुत सारे लोगों ने हमसे रब्ता किया, उनमें से एक मिसेस दाऊद को हमने यहाँ पे बुलाया था और बाकी लोग जो है उनसे उनको अभी हमें मिलना है और उनमें से निकालने हैं कौन से ऐसे कपल्स होंगे कि जिनको हम ये ऑफर करेंगे कि वो फ्री इलाज करवा सकें, जिसमें आईवी ट्रीटमेंट भी है, जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबीज भी हैं। जी मिसेस दाऊद जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी शादी को ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं और इस दौरान औलाद के लिए हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने कुछ टेस्ट कराए लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कोई वीकनेस है मेरे में या मेरे हस्बैंड में, लेकिन बस अल्लाह की मर्ज़ी ये कह के हम लोग भी चुप होके बैठ गए हैं कि इसके बाद अब कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन थोड़ा टाइम गुजरने के बाद एहसास होना शुरू हो जाता है औरत को कि वो अधूरी है। उसको ये एहसास आपको खुद से हुआ या आप लोगों ने दिलाया? लोग आपको तो थोड़े अरसे बाद ही बाहर निकलते हुए हर बंदा पूछता है आपके कितने बच्चे हैं, कुछ है तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन शायद हमारी अंदर की कमज़ोरियां भी होती हैं। एक औरत उस वक्त ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस करती है जब वो इस तरह से अपने आप को अधूरा फील करे, और उसके बाद ये भी समझा जाता है जी ससुराल में पाँव नहीं लगते, पाँव नहीं जमते आपके। तो आपको लगता है ये सही नहीं है? ये बहुत हद तक ठीक है। अच्छा, इसलिए कि हमारे ऊपर माँ बाप का प्रेशर तो है उनके, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है वो अपनी तरफ से प्रेशर बना के हमें फोर्स करते हैं, और बहुत सारे ऐसे मामले वो यहाँ तक ले जाते हैं हस्बैंड को, आप दूसरी शादी कर लें। अच्छा। आप दूसरी शादी कर लें। तो आपके मियाँ ने कभी फिर आपसे कहा इस तरह? नहीं, उसकी एक रीजन तो ये है कि कुछ कमजोरियां तो खवातीन में होती हैं, हमारे सिस्टम में हमारे माशरे में ये चीज कह दी जाती है कि अपनी बेटियों को बहनों को जहां गई हो वहीं पे रहना, डोली गई और जनाजा उठे, लेकिन उसमें ये नहीं देखा जाता कि फिर आगे वो क्या फेस कर रही है। अगर तो मेल्स में इस तरह का कोई इशू आता है तो फिर वो उनको जबान खोलने से भी रोक दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, यानी आपका कहना ये कि इस तरह का कोई मसला हो तो उसका सारे का सारा दबाव औरत के ऊपर होता है। बिल्कुल, हमारे माशरे में औरत ही उस मामले को ज्यादा उसमें सफर करती है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आप अकेली से आई, आपके हस्बैंड साथ नहीं आए? वो इन मामलात में नहीं जाते, बहुत मुश्किल से। औलाद की ख्वाहिश तो आप दोनों की? बिल्कुल है, लेकिन बहुत शुरू में एक मेरी मदर ने इंसिस्ट करके उनसे कोई टेस्ट करवाया था और उसमें थोड़ा बहुत वीकनेसेस उनकी थी, लेकिन उन्होंने ना तो इसकी कोई मेडिसिन ली, अपने ही जैसे कोई हकीम ने कह दिया, किसी ने कोई घरेलू टोटका बता दिया, वो उस पर चल पड़े। मतलब अपनी हद तक समझते हैं ना कि मैं मर्द हूँ, मैं क्यों ट्रीटमेंट कराऊँ, मेरे में क्या कमी है। अच्छा, लेकिन वो आखिर में आके शुरू से लेके एंड तक सफर कौन करती है? सिर्फ औरत। ठीक है, अच्छा ये तो वो सोशल इश्यूज हैं जिनका कि हमने जब से मैंने प्रोग्राम शुरू किया है हमने सोशल इश्यूज को ज्यादा सुना है। तो इससे पहले कि इस मसले की हम डॉक्टर अजमत अस्सलाम वालेकुम न्यूट्रिशन के हवाले से आपसे जाने, और अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साजदा शाहनवाज, इससे पहले कि हम गायनाकोलॉजिकल और बाकी जो इनफर्टिलिटी के मसाइल हैं उसके बारे में जाने, मेरा ख्याल है ये जो इमोशनल और सोशल इश्यूज आ रहे हैं, डॉक्टर इंतखाब हमारे पास मौजूद हैं जो कि अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, और उनसे हम मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो इमोशनल स्टेट होती है ख़वातीन की, कुछ अर्सा हो गया बच्चे नहीं हुए और उसके बाद एक दबाव में है, एक तनाव में, खौफ के आलम में है, एक एंग्जाइटी में है, बाज़ुकात तो डिप्रेशन में है, तो क्या ये तमाम कैफियत जो है ये भी कंट्रीब्यूट कर रही होती है इस मसले को ज़्यादा गंभीर करने में? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में इन्विटेशन देने का। देखिए कि आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपके मेहमान का शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू को रेस किया। आमतौर पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वट इज़ द कॉज एंड इफेक्ट, मीनिंग के नफसियाती या साइकोलॉजिकल इशू से इनफर्टिलिटी होती है या इनफर्टिलिटी की वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज होती हैं। अच्छा, इन दोनों का इतना गहरा ताल्लुक? जी। अच्छा। तो एक्चुअली द आंसर इज बोथ, यस, कॉज एंड इफेक्ट बोथ। देखिए कि जो स्टडीज हमने की और जो हमारे सामने आई उससे ये बात साबित होती है कि वो लोग
जिनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी हो उनमें एटलीस्ट 2 to 3 times ज्यादा रिस्क है इनफर्टिलिटी का। यानी जो खवातीन ज्यादा अफसरदा रहती हैं, परेशान रहती हैं, घबराई रहती हैं, सहमी रहती हैं, जी अच्छा, उनके ज्यादा उसका रिस्क है। तो उससे ये होता है कि आप जब तक इन चीजों को मुनासिब तरीके से उनको एड्रेस नहीं करेंगे तो इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट है उसका सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। आपके गेस्ट ने एक बहुत अच्छी बात की कि देखिए कि इस वक्त ये कई महाजों पे लड़ रही हैं। एक महाज तो वो है जो इनके अंदर का प्रेशर, एक माँ बनने की जुस्तजू, एक ख्वाहिश। इसके अलावा एक जंग जो है वो इनके, जंग तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन एक महाज जो कि घर के अंदर है, और एक तीसरा जो है जो कि बाहर सोसाइटी के अंदर है। तो खास तौर पे खवातीन के लिए इस सिचुएशन को डील करना बहुत मुश्किल है। जरा स्टार्ट से गाइड करें। आपने बताया कि अगर अफसरदा रहती हैं, बेचैन रहती हैं, परेशान रहती हैं, सहमी भी रहती हैं, दबाव का शिकार है, तो भी ये चांसेस हैं कि ऐसी खवातीन जो हैं उनमें प्रेगनेंसी कम हो। जी तो मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब कि हमारे यहाँ तो कल्चर ही इस किस्म का, ज्यादातर खवातीन जो हैं वो ज्यादा दबाव में रहती हैं, और लेकिन हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस जहाँ बहुत अच्छी नहीं है वहाँ पर फर्टिलिटी के मसाइल इतने ज्यादा बाजू का सुनने को नहीं मिलते। हालांकि लगता है हमें कि उनके घर में खाने को इतना नहीं है लेकिन औलाद की नेमत होती है। तो मतलब ये बातें आप कैसे देखिए कि जो साइंस, इसमें दो चीजें हैं जो साइंस जो हमें बताती है कि जब भी डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है या कोई और साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, हमारा जो दिमाग है उसके 3 हिस्से हैं। ठीक है। एक तो जिसको हम कहते हैं थिंकिंग ब्रेन यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दूसरा जो है इमोशनल ब्रेन यानी कि लिम्बिक सिस्टम, और तीसरा जो है वो रेगुलेटरी पार्ट हाइपोथैलेमस। तो कोई भी एंग्जाइटी हो या डिप्रेशन हो या कोई प्रेशर हो, इसका ताल्लुक डायरेक्टली हमारे दिमाग से है, और ये तीनों हिस्से हमारे इंटरकनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल डिसरेगुलेशन होगी और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी होगी। अच्छा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका हल क्या है। इसका हल ये है कि आप इन लोगों को रीच आउट करें, और इनके लिए ये बहुत जरूरी है कि ये इसका इलाज मुमकिन है डिप्रेशन का। एग्जैक्टली, डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो या इवन स्ट्रेस हो। अच्छा, आप इलाज तजवीज करें कि जो लोग, जो खवातीन देख रही हैं और उन्हें लगता है उनके अंदर ये कैफियत रहती है, या बच्चियां उनकी शादियां होने वाली हैं और वो समझती हैं कि इस तरह की सूरत हाल है, वो क्या करें? उसके लिए बहुत जरूरी है कि देखिए कि इसीलिए हम ये समझते हैं कि अभी हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसमें हमने एक अलहदा से डिवीजन क्रिएट किया है मेंटल हेल्थ और बिहेवियरल कंपोनेंट का। ठीक है। तो उसमें सबसे पहली जो बात यह है कि इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप इन लोगों से बात करें। ठीक है। और उनके और उनमें जो एक एंग्जाइटी की कैफियत है उसको एड्रेस किया जाए। मैं आपको समरी उसकी ये बताऊंगा कि उसकी कई ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं। उसमें एक तो जिसको हम कहते हैं साइकोथेरेपी। कई दफा औरतें मेडिसिन नहीं लेना चाहती क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, इसके साइड इफेक्ट्स हैं। कोई बात नहीं, इसके लिए एक थेरेपी, इसके लिए बातचीत करना जरूरी है और इसको एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। और एक बात मैं बहुत ऐड करना चाहूंगा कि इसके अंदर जो हम एक नई अप्रोच लेके आना चाह रहे हैं वो ये है कि इट इज पर्सन सेंटर्ड, इट इज नॉट एवरी, देखें हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। ठीक है। तो उसमें ना सिर्फ एक इंसान का बल्कि उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको रीच आउट करना बहुत जरूरी है। लेकिन अब बाहर खातून सेंटर पे नहीं आ सकती है, जा सकेगी, तो उसके लिए फिर अभी तक जो आपकी बातों से मुझे टिप लगी वो ये कि वो बात करे, अपने मसले को किसी जगह पे बयान करे, किसी जगह पे अपने दिल के हाल को बयान करे, अपना गुबार निकाले, अपनी सोच, अपना जो भी दबाव है उसको वेंट करे, उसको निकाले। हाँ, उसको निकाले और उसके बाद उनको एजुकेट किया जाए। एज अ हेल्थ प्रोफेशनल हमारा ये काम है, चाहे उसमें नर्स प्रैक्टिशनर हो, डॉक्टर हो, वो उनको एजुकेट करे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजमत, वो डिप्रेशन की बात हुई, डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन डिप्रेशन की बात हुई, क्या कुछ ऐसी खुराक है कि जो खाने पीने से ये डिप्रेशन का मसला हमारा जो है ये सॉर्ट आउट होता रहे? क्योंकि मैंने बहुत जगहों पर पढ़ा है कि डिप्रेशन का इलाज अच्छी गजा से किया जा सकता है। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी पूरी बॉडी की जो वेल बीइंग है वो एसोसिएटेड है हमारे खाने पीने के पैटर्न से। अब ये है कि हम किसी चीज के होने का इंतजार करें और फिर जाके उसका इलाज करवाएं, या हम उसको होने से ही प्रिवेंट कर दें। अच्छा, ये भी किया जा सकता है। प्रिवेंटिव ऐसी चीजें भी हैं। क्या खाएं कि जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन ना हो, कम हो? देखें, जो ब्रेन फूड्स हैं उसमें 3-4 बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं, और अभी पिछले दिनों ही मैं एक जगह पे लेक्चर दे रहा था तो इसके ऊपर कंबाइंड 250,000 स्टडीज मौजूद हैं। अच्छा।
मगर इसमें मसला ये है कि ये इंफॉर्मेशन डिसमिनेट नहीं की जाती। मसलन हमारा जो हमारे ब्रेन में एक सब्सटेंस होता है जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं, हमारा एक सब्सटेंस पूरी बॉडी में होता है बल्कि अपना, उसके बाद डोपामाइन होता है, उसके बाद हमारी बॉडी में वेरियस हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनलिन है, हिस्टामिन है, ये सारी की सारी चीजें जो है कि बैलेंस में एग्जिस्ट करती हैं। अल्लाह ताला ने हमें एक बैलेंस में, अब हमने क्या करना है, अगर आप ये समझते हैं कि आपको कोई ज़हनी इश्यूज हैं तो आपकी डाइट में एक दो तीन ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपको चीज़े? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इमीडिएट रिलीफ के लिए आप बनाना खा सकते हैं। अगर आपको एंग्जाइटी और ब्लूज हैं, बनाना इज लोडेड केला, इसके हमने देखा बंदर बड़े शौक से केला खाते हैं और कितने खुशबाश रहते हैं कोई टेंशन नहीं होती उनको कभी। नहीं, मैं आपको इसकी वजह भी बताता हूँ। केले के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको हम ट्रिप्टोफैन कहते हैं, ठीक है, और वो बायोलॉजिकली अवेलेबल होता है। सही। और बल्कि आप ये सोचिए कि मैं अपने दफ्तर में अपने कुलीग्स को केले मंगवा के खिलाता हूँ, अच्छा, ताकि वो लोगों से अच्छी डील वगैरह करें और आपस में हंस मुख से रहें। अच्छा, मैं ये समझी कि इसका एनर्जी लेवल से कोई ताल्लुक है? एनर्जी लेवल से भी ताल्लुक है। स्पोर्ट्समैन भी अक्सर जब एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं तो मैंने तो फुटबॉल के वर्ल्ड कप में देखा कि हमारे बहुत फेवरेट जो प्लेयर्स हैं बाज़ुकात मेसी और वो लोग, वो भी ब्रेक में उन्होंने एनर्जी ड्रिंक्स या कुछ ऐसा लेने के बजाय वो केले खा रहे। जी बिल्कुल, और केले में पोटेशियम है। अच्छा। और वो पोटेशियम ऐसा है कि जो फौरी तौर पे ब्लड प्रेशर भी 5-7 पॉइंट लो कर देता है। अच्छा। सो अगर आप केला खाली पेट खाएं, और केले के अलावा एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा हेल्प करती है, उसके अंदर ऐसे एसेंशियल फैटी एसिड्स का कॉम्बिनेशन मौजूद है जो कि लिटरली प्रीकर्सर बन जाते हैं डोपामाइन के लिए, ठीक है, इसलिए इनको सुबह के वक्त खाना चाहिए। वो क्या है? ये बादाम। अच्छा। सो बादाम और जो लोग छिलके के बगैर खाते हैं वो गलत है। अगर उसको पानी में भगो के आप डाइजेशन, ताकि वो बेहतर डाइजेस्ट हो, वो खाना ठीक है, मगर उसका पानी भी पीना चाहिए। अच्छा। और उसके छिलके भी खाने चाहिए, ठीक है। सो दो चीजें हो गई, तीसरी चीज क्या होगी? तीसरी चीज एक ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड होता है, उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं कॉल्ड EPA एंड DHA, ठीक है। ये दोनों जो है ये बहुत ज्यादा हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट में, हमारे काम रखने में, हमारा मूड अच्छा रखने में ये हमें हेल्प करते हैं। तो इसलिए फैटी फिश मसलन रोहू है, और उसके अंदर जो फैट होता है उतार के फेंक देते हैं, वो फैट बुरा नहीं है। सही। वो बहुत अच्छा फैट है। सो ये दो तीन चीजें अगर आप इनकॉर्पोरेट करें तो आप ये देखेंगे कि, और उसके बाद सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ कि आपका हाजमा ठीक होना चाहिए, ठीक है। ये सारी बीमारियां वगैरह जो शुरू होती हैं इनफर्टिलिटी से लेके, ये दे ऑल आर यानी कि लाइक आपका इम्बेलेंस खराब हो जाता है, ठीक है। तो आप हमें टिप देंगे कि हाजमे के लिए भी क्या करेंगे? डॉक्टर साहब, मैं ब्रेक के बाद जब आऊंगी तो आपसे इस बात को शुरू करना चाहूंगी कि आपके ख्याल में क्या मसाइल है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी जैसा मसला जो है वो क्रिएट हो जाता है, जिसका फिर हल बाज़ुकात मुश्किल से मिल रहा होता है। लेकिन ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और जाते जाते बताते जाऊँ, आज वो सब लोग जो समझते हैं कि वो फ्री ट्रीटमेंट या इलाज की सहूलत हासिल करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साजदा शाह नवाज जो कि चीफ एंड डायरेक्टर है एंड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, हम इस इंस्टीट्यूट में आपको ऑफर करेंगे अपने ऐसे कपल्स को जो कि वहाँ से फ्री इलाज करवा सकेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हालात की नेमत जो है वो अगर अल्लाह ताला ने उनको दी तो ज़रूर उसके लिए इलाज जो है वो फ्री हम लोग ज़रूर करेंगे। सर रब्ता कर सकते हैं आप स्क्रीन पर नजर आने वाले हमारे नंबर पर। ब्रेक के बाद फिर मिल रहे हैं। वक्त बदलने वाला है, खुशबूएं लगा दे, चेहरों को खिला दे, ये सुबह देखे जो कोई भी। खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम बहुत सारी दुआएं उन लोगों के लिए जिनके घर में अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत नहीं दी, कि अल्लाह ताला हर घर को ये सुख और चैन अता करे और औलाद की नेमत जो है वो हर एक को मैसर हो, इससे कि हमारे दिल का चैन होती है, हमारी आंखों की ठंडक होती है। वो ठंडक है जो अंबिया ने मांगी हुई है, जिनके पास दुनिया जहान की तमाम नेमतें मौजूद थी, उसके बावजूद उन्होंने अपने हाथ उठाए हुए अपने रब से इस एक नेमत को हासिल करने के लिए। और दूसरी बात यह कि हम आज आपको ऑफर कर रहे हैं कि सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे बल्कि हमारे जो एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका इलाज किया जाए तो भले कोई सा भी इलाज आपके लिए दरकार होगा, हम कोशिश करेंगे कि हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको इलाज करें और अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत जो है उसे सरफराज फरमाए। कॉलर्स के लिए, सब लोगों के लिए नंबर हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी आप हमें कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको हमसे आके मिलना होगा और हमारे एक्सपर्ट से मिलना होगा, फिर हम सिलेक्ट करेंगे कौन से वो कपल्स हैं जिनके लिए फ्री इलाज की ऑफर जो है वो हम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है। अच्छा, आप इस हवाले से कोई सवाल करना चाह रही हैं?
मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं और बच्चे नहीं हैं। अच्छा, आपने कोई अपना टेस्ट करवाया है? जी टेस्ट तो इसने ही करवाया लेकिन मतलब टेस्ट करवाया है तो क्या उसमें पता चला? हमारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं इस बारे में। जी कोई मसला नहीं आ रहा है लेकिन बच्चे भी नहीं रो रहे, परेशान है हम। अच्छा, आपने अपने शोहर का भी टेस्ट करवाए? दोनों के टेस्ट हुए? शोहर का तो नहीं करवाया। अच्छा, तो डॉक्टर साजिदा आप इनसे कुछ बात करना चाहेंगी सादिया से? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने अपने कौन से टेस्ट कराए हैं? आप कह रहे हैं ना कि बताया है, कोई मसला नहीं है, कैसे पता चला आपको? करा सादिया, अगर हम आपको अपने इस उसमें डालें तो आप यहाँ पर आ सकेंगी ना लोहार हमारे पास इलाज अगर हम आपको ऑफर करें फ्री ट्रीटमेंट, तो आपके लिए मुमकिन है? आप कराची से कॉल कर रही हैं, हम आपको बुलाएंगे यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है? और दूसरा ये कि आप साथ रहिए, हम गाइड कर रहे हैं इस बारे में कि क्या किया जा सकता है। मतलब उनको तो नहीं है, मेरा हाल अंदाजा भी होगा कि उन्होंने टेस्ट कौन से करवाए, क्योंकि वो समझते हैं किसी भी एक जगह पे जाके, और सबसे बड़ी बात है कि हस्बैंड के टेस्ट नहीं हुए। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि मतलब ये क्या होता है जो कह देते हैं सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, हस्बैंड भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस अल्लाह की मर्जी, औलाद नहीं हो रही, क्या ऐसा होता है कि बगैर किसी वजह के भी प्रेगनेंसी जो है वो ना हो रही हो? हाँ फरा, ये जो आपने अभी बात की है ना कि क्या वाकई ऐसा होता है, मैं आपको बताऊँ कि वाकई ऐसा नहीं होता। अच्छा। हाँ ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि हम लोग, आप एक जो आपके इजी असेस में आपके जो भी आपका क्लिनिक है, चाहे कोई दाई है, LHV है, अगर उसको चेक कराया, उसने कह दिया कि बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और आपने हस्बैंड का टेस्ट, तो अव्वल तो मैं समझती हूँ कि वो कहते हैं जी मेरा बेटा बिल्कुल फिट है। मैं कई दफ़ा मैंने ख्वातीन को देखा है, वो कहती है डॉक्टर साहब इसको तो जरूरत नहीं। मैंने कहा आपको कैसे पता चला है? अच्छा, बेटे की माँ, बेटे की माँ। वो कहती है जी मुझे पता है। बाद मुझे हंसी आती है कि आपको कैसे पता है कि आपका बेटा फिट है? वो कहती है माशाल्लाह सुबह इतना काम करके आता है, लाल सुरख है, ये देखा है आपने रंग देखा है इसका, ये किस तरह का है, मेरा बेटा फिट फाट है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो प्लीज फॉर गॉड सेक, ये जो आपको छोटी छोटी जगहों पे लोग कह देते हैं ना कि जी आप बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह की मर्जी, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह तवक्कल क्या है, मैं क्या अपना ऊँट खुला छोड़ दूँ और फिर मैं अल्लाह पे तवक्कल करूँ? आपने कहा नहीं, पहले ऊँट को बांधो फिर उसके बाद अल्लाह पे तवक्कल करो। आप पहले अपना जो इलाज है जो सुन्नत के मुताबिक आपको अल्लाह ताला ने और अल्लाह के नबी ने कहा कि ये करें, तो वो उसके बाद आप देखें कि तवक्कल करें। अब वो क्या करें? वो तो कह रही है कि जी हम भी ठीक है, हस्बैंड भी ठीक है, लेकिन ये यही तो मैं मैसेज देना चाह रही हूँ आपके प्रोग्राम के। वो क्या टेस्ट है जो आपके ख्याल में जरूर करवाएं? मैं समझती हूँ कि जो भी खवातीन जिनको प्रॉब्लम है, अगर हस्बैंड वाइफ 1 साल से इकट्ठे रह रहे हैं और इकट्ठे रहने के बावजूद उनके यहाँ बेबी नहीं है, तो वो जरूर अपने जो भी उनके ईजी कम से कम MBBS डॉक्टर के पास वो जरूर जाएं और उनसे अपने जो भी टेस्ट वो कहें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हर डॉक्टर सबसे पहले मेल का टेस्ट मांगती है, क्योंकि देखिए फीमेल का एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, उसमें आपको यूट्रस भी देखनी है, अंडेदानियों को देखना है, उसमें और बड़ी सारी चीजें हैं, ट्यूब्स हैं, लेकिन मेल का एक छोटा सा टेस्ट है, सीमन एनालिसिस टेस्ट, ठीक है। तो अगर वो करवा लेंगे तो कभी, और मेरा मैं समझती हूँ कि डॉक्टर्स को भी ये मैसेज है, क्योंकि मैं यहाँ इंटरनेशनल ग्लोबल टीचिंग प्रोग्राम को चला रही हूँ, तो अक्सर मेरे डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्शन रहता है, तो मैं उन्हें कहती हूँ प्लीज़ बैन कर दें, एक ऐसा कानून, एक ऐसा लॉ बना दें कि इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट आपकी उस वक्त तक नहीं दी जा सकती जब तक हस्बैंड का सीमन एनालिसिस जो है वो आपके पास ना। अच्छा, अब ये डॉक्टर साहब, जैसे वो हमारे यहाँ तो हुकुमा खासतौर पर बहुत सारे लोगों के गुर्दे खराब हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं वो, क्योंकि वो जाते हैं ऐसे लोगों के पास जो समझते हैं कि वो उनको कोई ऐसी ताकत की दवाई दे देंगे कि जिसके साथ वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये जिसे कह रहे हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, मेल किसी भी इस तरह के मसले का शिकार है, तो गिजा से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो खातून बताए बगैर खाने में ऐसी चीज़ अपने बेटों को, भाइयों को, शौहर को, ताकि वो एनर्जी हेल्दी रहें और मतलब फर्टिलिटी में भी उनके कोई मसाइल जो है आइंदा या अभी ज़िंदगी में ना आए, है ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो जहाँ से भी इलाज कराएं, जो मसलन दूर दराज इलाकों में हैं, वहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल नहीं हैं, तो उनके लिए अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर उनको हो तो मेरे ख्याल में वो अपना काफ़ी बेहतर देखभाल कर सकते हैं। ठीक है। एक तो मसलन हम कहते हैं मर्दों के हवाले से एंड्रोजीनिक फूड्स, ठीक है,
अच्छा, अब हमें जो एविडेंस है, जिस चीज का साइंटिफिक एविडेंस है, सबूत मौजूद है जिसका, उसकी इसका सबूत मौजूद है, ये नहीं कि ये हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे, ये तजुर्बे से साबित, ये बिल्कुल साबित शुदा है, और इसको फार्मास्यूटिकल इसको आगे प्रमोट ना करें क्योंकि उनके शायद पैसे ना बनते हो इसमें, वो और बात है, मगर ये बात साबित शुदा है कि हमारी बॉडी के लिए कुछ एंड्रोजीनिक फूड्स मौजूद हैं। अच्छा, वो कौन सी है? अच्छा, मसलन अगर मैं इसमें, मैं कल जेन में सोच रहा था कि कौन से फूड्स मुझे बताने चाहिए, तो जब मैं लिस्ट बनाने लगा तो वो 10-12 से ऊपर निकल गई, तो फिर मैं रुक गया, मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा, लेकिन आप प्लीज 10-12 वो खुराक तो बताएं जो घर में हम लोग बना रहे हों और हमें पता हो कि हमारे मेल की हेल्थ के लिए जरूरी। जी बिल्कुल, इसमें मसलन सबसे एक हम इनको कहते हैं बिटर ग्लाइकोसाइड्स, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मेल के अंदर एंड्रोजीनिक फूड्स के तौर पे कंसिडर किए जाते हैं, और कोई भी ऐसा खाना जिसके अंदर इनकी क्वांटिटी 16-17% से ज्यादा होती है वो एंड्रोजीनिक एक्ट करते हैं। ठीक हो गया। अब मसलन सबसे बड़ा जो मेल एंड्रोजीनिक फूड है वो एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल है। अच्छा, जैतून का तेल, जैतून का तेल, और हमारी सुन्ना जो है उससे हमें पता चलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना महबूब और कितना मरगूब था। कुरान पाक में इसका जिक्र है, अल्लाह मियां ने वो तीन ही वो जैतून की कसम वैसे नहीं खाई, इसके ऊपर तो मेरे ख्याल में हमें कोई 10 प्रोग्राम भी करें जैतून के तेल पे तो हमारी बात नहीं। अरब कल्चर में बहुत ज्यादा इवन इस पे फीमेल इनफर्टिलिटी पे इस पे बड़ा जी बिल्कुल बिल्कुल जो ओवुलेशन जिनकी नहीं है उनके लिए इसमें ऐसे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो ख्वातीन को ओवुलेशन में हेल्प करते हैं। अच्छा, और तो आप क्या सजेस्ट करते हैं एक न्यूट्रिशनिस्ट के हवाले से कैसे खाया जाए ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल? देखिए, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में जो ये नोशन है कि खाना नहीं बनाया जा सकता, ये गलत है, इसके साइंटिफिक नहीं है, वो ब्रेक डाउन करना शुरू करता है तकरीबन 300 डिग्री के ऊपर। अच्छा। और कोई ऐसा प्रेशर कुकर नहीं है जो 330 डिग्री तक पहुंचता हो। अच्छा, तो कहने का मकसद ये उसमें खाना बनाया जा सकता है, और दूसरी बात हमें अल्लाह की इंजीनियरिंग पे एतमाद होना चाहिए कि अल्लाह सुबहाना ताला न्यू कि हम खाना पका भी सकते हैं उसमें और वो मोलेक नहीं बन जाएगा। ठीक है, सो ये जरूर है कि उसकी उसकी जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है कुक करके। सही। तो इसलिए खाने के पकाने में थोड़ा कम डालें शुरू में, और खाना जब खत्म हो जाए तो तब ज्यादा डालें, यानी खाना बन जाए तो ऊपर थोड़ा सा छिड़क के ऊपर 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 ज्यादा डालें, जैसे हम निहारी के ऊपर थोड़ी सी तरी डाल के खाते हैं, तो उस तरह से डालें। और एक और फेल प्रूफ तरीका जो है वो सुबह नाश्ते से पहले आप 1 टीस्पून रोज लेना शुरू कर दीजिए। अच्छा जी, वो नाश्ता करने से, यानी जो लोग भागते हैं फिर हकीमों के पास स्टीरॉइड्स लेकर अपना सत्यानाश करते हैं, उसकी निस्बत अगर वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अपनी खुराक में शामिल करें। और अगर अब देखें जैसे हमने एंड्रोजीनिक कहा, इस तरह स्टीरोजीनिक फूड्स भी हमारे पास मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने बनाए हैं। ठीक है, उसके अंदर जो मेल हर्ब है जिसको मैं कहता हूँ, जिसकी तारीफ कितनी की जाए वो कम है, वो मेथी दाना है जिसको मेथरे भी कहा जाता है, कसूरी मेथी में से निकलते हैं, इसको फिनोग्रीक कहते हैं अंग्रेजी, पीले रंग के जो मेथी जो पीले रंग के, और इस पे रिसर्च दर रिसर्च रिसर्च दर रिसर्च हो रही है, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने स्पॉन्सर नहीं किया। मैं अभी आपसे ये मेथरों के बारे में पूछूंगी, लेकिन कॉलर्स हमारे साथ साथ हैं, उनको शामिल करते चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? डॉक्टर साहब से बात करना चाहूंगी कि अभी चले शादीशुदा जिनके बच्चे नहीं हो रहे उनके ऊपर टॉपिक से बात हो रही है, लेकिन मैं उन लड़कियों की बात करना चाहती हूँ कि जो कि अभी तक कंवारी हैं। मुझे किसी ने बताया था कि एक्स्ट्रा वर्जिन तेल जो है, अगर लड़कियों को वो दूध में 1 चम्मच डाल के रात को दे दिया जाए, 40 दिन का कोर्स करवा दिया जाए शादी से पहले, तो क्या ये ठीक है या नहीं? आप बिल्कुल हमारे साथ रहे, अभी प्रोग्राम इससे आगे चलकर हमने इस बारे में बात करनी है कि शादी से पहले आपने वो कौन सी डाइट लड़कों ने और लड़कियों ने लेनी है कि वो फर्टिलिटी के मसाइल के हिसाब से ठीक हो, सेहतमंद हो, और उनको कोई मसला जो है वो ना हो, वो हमने डिस्कस करना है। लेकिन वो कह रही है कि क्या ऐसे शादी होने वाली है तो क्या दूध में जैतून का तेल डाल के पीना शुरू कर दें वो, तो उससे कुछ जी बिल्कुल ठीक है, वो ले सकते हैं, वो ओवुलेशन को हेल्प करेगा। ठीक है, इसमें एक और बात भी है, कुछ ऐसी ख्वातीन जिनको एक्सेसिव साइकिल होता है, लंबा साइकिल होता है, ज्यादा हैवी साइकिल होता है, कुछ ऐसी ख्वातीन जिनका साइकिल डिलेड होता है, उनके लिए डिफरेंट किस्म के हर्ब्स हैं, मसलन जिनका बहुत पेनफुल है यानी के साइकिल, उनके लिए डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं। वो क्या है? मसलन जिसका बहुत ज्यादा पेनफुल है साइकिल है, उनके लिए सिनेमन दार चीनी जिसको हम कहते हैं। अच्छा, तो दार चीनी कैसे इस्तेमाल करें? दार चीनी को बेहतरीन तरीका तो इस्तेमाल करने का ये है कि आप पीस के
उसका आप आधा चम्मच 1/3 चम्मच ले लें, और दालचीनी से वेट लॉस भी होता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है। सो अगर आपने शादी से पहले अपना वजन कम करना है तो ये तरीका है कम करने का, बजाय इसके कि अपना सत्यानाश कर लें, हार्मोन्स खराब कर लें। जी बिल्कुल, दालचीनी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी प्रिवेंट करती है। अच्छा। यही तो कमाल है अल्लाह ताला के फार्माकोपिया का, कि कोई चीज, कोई जरासूम जो है, कोई पैथोजन, वायरस, कोई बैक्टीरिया इसको हो नहीं सकता, यानी कि रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर सकता। और एक चीज जो है, आप अगर एक काम के लिए ले रहे हैं तो आपको नहीं पता ये वो क्या काम करेगी, आपकी बॉडी डिटरमिन करती है, क्योंकि दे जो न्यूट्रिएंट्स आपको एक मेथी दाने में या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में या सिनेमन में मिलते हैं, आपका जिस्म उनसे बातचीत करके उनको अपनी अपने मुताबिक इस्तेमाल करता है। आपने बताया दालचीनी का 1 चाय के चम्मच का चौथाई हिस्सा। जी हाँ, एक दिन की खुराक होनी चाहिए, एक दिन, और इसको आप पानी में घोल के पी सकते हैं, चाय में डाल सकते हैं, चाय में डाल के सीरियल पे डाल सकते हैं, किसी आप सिर्फ इस तरह ले सकते हैं कि उसको ले के ऊपर से पानी पी लीजिए जैसे चुटकी, जैसे फांकते हैं कोई, जैसे आपको सूट करता है इसको आप ले सकते हैं। और मेथी दाना भी इसी तरह ग्राइंड करके पीस के, मेथी दाना जो है वो भी रात को लेना चाहिए। अच्छा, वो रात को क्योंकि हमारी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन रात को होती है। ये सिर्फ मर्दों के लिए है कि वो रात को लें, औरतें भी ले सकती हैं इसको? औरतें भी ले सकती हैं, मगर वो दिन के वक्त लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। मगर मर्दों के लिए जो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट जो उनको चाहिए वो रात के वक्त में होती है। और मेथी दाने का कमाल ये है कि तकरीबन 40 मिनट लगते हैं इसको अब्सॉर्ब होते हुए। अच्छा, तो इसको ग्राइंड करके पीस के रख लें, और रात को कितना? रात को 1/3 चम्मच से शुरू करें। ठीक है, और इसको पानी के साथ ले लीजिए। बिल्कुल सही। सो ये वो तमाम ताकत की चीजें हैं जो आपको हकीम की मुख्तलिफ चीजों में मिलती है, या आप नेचुरली अपने किचन से निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। वक्त बदलने वाला है, कोई जनाब खुश आमदीद। हम यहाँ पे इस वक्त हकीम सलीमी साहब मेरे साथ हैं, और हम बना रहे हैं एंड्रोजेनिक फूड्स का, डॉक्टर अजमत ने तस्करा किया था, और हकीम साहब जो है यहाँ पे कुछ एंड्रोजेनिक बता रहे हैं हमें चीजें बनाना, कि जो घर में हम बना सकते हैं और उसके साथ मसाइल जो है वो खासे बेहतर हो जाएंगे। क्या ढूंढ रहे हैं आप? जी मैं ये चम्मच ढूंढ रहा हूँ। ये जैसे डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे एंड्रोजेनिक फूड्स की, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी फूड्स में जो मेल डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ होती हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बात की, एक जो भी एक चीज़ है, मेथरे हैं। हाँ। तो इस तरह इसकी एक कॉम्बिनेशन है। डॉक्टर साहब दालचीनी का भी बता रहे थे, दालचीनी को भी इस्तेमाल किया जाए। इसमें जो मेरे पास रेसिपी है उसमें जो खजूर या छुआरे, ठीक है, अलसी, चलवोजा, अच्छा ठीक है, और सिंगाड़ा, मूसली सफेद, ठीक है, और स्तावर एक हर्ब होती है, और मगज बादाम, ठीक है, ठीक है, तिल है, पिस्ता है, और शहद। ये तो बड़े मजे मजे की चीजें हैं। ये सारी चीजें यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। ये हर चीज जो छुआरों को तो हम जानते हैं, ये सतावर है, अगर जिस चीज का चलवोजे है, ठीक है, अलसी है, ठीक है, और ये तिल है, ठीक है, इन सब का ये मैंने पाउडर भी करवा के रखा हुआ है, ये पिस्ता भी, ठीक है, इसका ये पाउडर ऑलरेडी करवाया क्योंकि यहाँ पे टाइम कम होता है, ठीक है, इसका पाउडर भी करवा दीजिए। दो चीजें जो उनको गौर से जरा देख लें, एक तो ये सतावर और दूसरी ये मूसली सफेद, ये दो चीजें जो जरा फर्क है, बाकी तो तमाम वो नट्स है जिसका कि हमें पता होता है कि ये कौन सी है। ये मूसली सफेद है, सफेद रंग की है, और ये सतावर है। तो ये दोनों चीजें आपने सबको ग्राइंड कर लिया। जी, सबको ग्राइंड करके शहद को हल्का सा गर्म करेंगे, ठीक है, और उसके साथ ये मिक्स कर देंगे, ठीक है, तो ये एक हलवा तैयार हो जाएगा आपको। जी ठीक है, ठीक है, तो ये इसका इस्तेमाल करना बहुत मजेदार ये होगा, ठीक है, शहद की वजह से मीठा भी हो गया। और इन तमाम चीजों को हमने ग्राइंड कर लिया, और इनको शहद में मिलाकर हमने एक हलवा बना के रख लिया, और ये हलवा हम खाने के बाद या सुबह नाश्ते में, सुबह नाश्ते से पहले, ठीक है, और शाम को 2 टाइम 1-1 बड़ा चम्मच जो टेबल स्पून होता है, ठीक है, वो इस्तेमाल करेंगे। ये सिर्फ मतलब घर के मर्दों के लिए है या खवातीन भी? इसमें ये जो मैंने रेसिपी दी है ये तो मेल्स के लिए है, ठीक है, इसमें अगर कमर का सुपारी शामिल कर ली जाए तो फीमेल्स भी यूज कर सकती हैं इसको। अच्छा, और अगर ना की जाए तो भी? तो कोई मसला कोई नहीं है इसमें, फायदेमंद चीज है, मगर ये कि ज्यादातर ये जो है ज्यादातर मेल जो डिसऑर्डर्स के लिए, और इसमें एक चीज और भी आई है स्टडीज में
कि जो स्पर्म काउंट होती है, डॉक्टर साहब बात भी कर रहे थे, तो इसको भी ये इम्प्रूव करता है, बेहतर कर देता है, बिल्कुल सही। और यहाँ कुछ और भी बन रहा है जी, इसमें ये जो है ये एक और रेसिपी है, ये बड़ी शॉर्ट, इसमें बनोला इसे पंबा दाना भी कहते हैं, ठीक है, ये और सालम मिश्री और सिंगाड़ा, ठीक है, ये तीन चीजें हैं। सालम मिश्री यानी मिश्री की जो डली है उसका पाउडर, नहीं नहीं ये मिश्री हर्ब होती है, अच्छा ठीक है, ठीक है, जिस तरह मूसली आपने दिखाई है ना, हाँ। इसी तरह इस तरह ये होती है सालम मिश्री, ठीक है, ठीक है। और कितना हम वजन है, नहीं ये तीन तीन ग्राम है, ठीक है, तीन ग्राम पाउडर, ये सारी चीजें तीनों लेकर इसको पाउडर कर लिया, ठीक है, और ये 1.5 पाव दूध में इसे हम खीर बना लेंगे इसकी, ठीक है, ठीक है। और इसमें हमारे पास सिंघाड़ा का पाउडर है, मगज बिनोला का पाउडर है, और सालम मिश्री है, सालम मिश्री, ठीक है। यहाँ पे चीनी होगी, ये जी ठीक है, मुझे पता है चीनी डालकर इसमें, ये हस्बैंड जायका, चीनी मिलाना चाहे तो मिलाए, ना मिलाना चाहे तो फिर भी कोई मसला नहीं है, ये मैं 1.5 चम्मच यहाँ पे चीनी ऐड कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, तो ये एक बेहतरीन खीर तैयार हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीजें उस वक्त खानी है जब पता चल जाए कि खुदा ना खास्ता मेल को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है जी, और उस या फिर वैसे भी ये खुराक में शामिल रखी जा सकती है। ये जो मेरे पहली ये हलवा जो बताया, ये तो रूटीन में आप क्योंकि आप सारी चीजें देख रही है, छुआरे हैं, मगज बादाम है, चलगोजा है, अलसी है, ये सारी चीजें हमारे किचन में होती है नॉर्मली, तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर किसी फिजिशियन ने आपको रिकमेंड किया है कि उसमें स्पर्म काउंट कम आ रही है या उसमें इस तरह के मसाइल आ रहे हैं जो सीमेंट्स के मसले वगैरह आते हैं, तो उसमें उसको और ये एक साल तक किसी को बच्चा नहीं हो रहा, तो नॉर्मली कंसीडर किया जाता है अगर कोई वो माने हमल तरीके इस्तेमाल नहीं कर रहे और एक साल तक बच्चा नहीं हो रहा, तो उसके लिए अगर मसाइल हैं तो मेल्स को के लिए ये एक रेसिपी है कि वो इसको खीर बनाकर और जब डालें तो हिलाते रहेंगे। कितना दिन में एक दफा खाना जरूरी है? ये दिन में एक दफा, ठीक है, और किस टाइम पे? ये सुबह नाश्ते से पहले, ठीक है, और इस तरह शाम को 5 बजे, ठीक है, दिन दो दफा दिन में इस्तेमाल करें तो बड़ी फायदेमंद चीज़ है। बिल्कुल सही। कॉलेज भी मेरे साथ साथ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, ये देखें ये बड़ा मजेदार सा खाना है, पेस्ट बन गया है बिल्कुल, और ये ठीक है, इसको यहाँ पे रख दीजिए, सही। सो ये हमारे पास ये दूसरी खीर भी तैयार होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल, आपका शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए क्या कुछ जानना चाह रही हैं? एक तो ये कि जो सब लोग कॉल कर रहे हैं, मेरे बार बार बताए बगैर भी आप सबके नाम कुरानदाजी में शामिल हो रहे हैं, उम्रे के लिए हमारी टिकट और खुशनसीब विनर जो है उनकी लकी ड्रॉ जुम्मे वाले दिन होगी, हमें पता चलेगा कि उन्होंने हमसे उम्रे का रिटर्न टिकट जीता है। आज लूट बाजार के बजाय हम ये कर रहे हैं कि जो सब लोग कॉल कर रहे हैं और चाहते हैं कि औलाद की नियमत उन्हें मिले, हमारे डॉक्टर सरफराज शाहिना सरफराज जो है, साजदा शाहनवाज जो है, ये ऑफर कर रही है अपने एंड्रोलॉजी सेंटर में कि हम आपको फ्री ट्रीटमेंट जो है वो देंगे उन कपल्स को जो कि आज हमें कॉल करेंगे और सिलेक्ट होंगे। सो आप क्या जानना चाह रही हैं? मुझे ये पता करना है कि ये प्रेगनेंसी के दौरान जूसेस यूज करने चाहिए या फिर फ्रूट, और दूसरे एक चीज होती है अलसी, ये भी यूज करनी चाहिए या नहीं? आपको समझ आया कि उन्होंने क्या कहा? प्रेगनेंसी के दौरान अलसी इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं, ये आपने पूछा है? हाँ। ये पूछा है, बिल्कुल सही, आप साथ ही करनी चाहिए उसे हकीम साहब, तो उसका फायदा होगा जी। हाँ डॉक्टर अजमत, आप क्या कहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान अलसी का इस्तेमाल? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि हमें एक एसेंशियल फैटी एसिड चाहिए ईपीए और डीएचए, अलसी जो है वो रिच सोर्स है, बिल्कुल रिच सोर्स है। अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे के ग्रेड जो है वो क्लास में सबसे बेहतर हो, मैं काफी देर से ना कोई एक चीज शेयर करना चाह रही थी, वो ये है कि जैसे एक आम बंदे को, मैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं लिसनर हैं, मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि देखिए हमारी बॉडी में ना दो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, एक है ओमेगा 6 और एक है ओमेगा 3, ठीक है। अब देखें बैलेंस हमारी बॉडी में बैलेंस रहना चाहिए दोनों का, अब अगर बैलेंस नहीं होगा ना तो सारी चीजें आपकी, चाहे इनफर्टिलिटी है, चाहे ओबेसिटी है, हार्मोनल डिस्टरबेंस है, कोई ना कोई रूप में जरूर आएगा। सही। अब ओमेगा 6 जो है ना वो हम अपनी डाइट में डेली ले रहे होते हैं, मसलन हमारे जितने ऑयल्स हैं उनमें ओमेगा 6 होगा, ओमेगा 3 जो है वो प्रिजर्व नहीं होता आमतौर पर, दैट्स द रीजन कि ओमेगा 3 का जो सोर्स है वो बहुत लिमिटेड सोर्स है, और अक्सर हम लोग इसी से डेफिशिएंट रहते हैं ना, इसलिए ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी होती है। ओमेगा 3 जो है जो अभी आपको बता रहे हैं, इसका पाकिस्तान में सबसे इजी और रिचेस्ट सोर्स जो है वो अलसी के बीज, अलसी के बीज है, और इसके अलावा जो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि आप जो फिश फैटी फिश है वो ओमेगा 3 मलंगा जिसे कहते हैं, नहीं नहीं तुख मलंगा में ओमेगा 3 ओमेगा 6 है,
नहीं, तुकमलंगा में ना और न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स हैं, फाइबर्स हैं और कुछ और उसके न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन जो ऑयल है ना वो आपको अलसी के बीज से बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। अब ये जो बता रही है ना कि ओमेगा 3 हमने लेना है, होता क्या है कि आपको पता ही नहीं कि ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से बच्चों में कितनी मैलफॉर्मेशंस आती हैं। बिल्कुल सही। खासतौर पे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बाज़ दफा आ जाते हैं। सही। अब हम जो चीजें बना रहे हैं ये ख्वातीन के लिए, कौन कौन से मसले कुछ जानना चाह रही हैं आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई ऐसे मसले जिनके बारे में आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? जी क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि मेरी शादी अभी न्यू हुई है। आपकी शादी हुई है? थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी। मेरी शादी अभी न्यू हुई है। अच्छा। तो मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ कि मुझे और मेरे हस्बैंड को ऐसी कौन सी चीजें यूज करनी चाहिए। तक आई थिंक 1 साल हो गया है हमारी शादी को, तो प्रेगनेंसी नहीं हुई। ठीक है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम लोग क्या यूज करें कि जिससे प्रेगनेंसी हो जाए। बिल्कुल सही। कोई आपने अपना इलाज करवाया है? कोई ट्रीटमेंट? नहीं फिलहाल। तो को पता चला हो कि मैं हम आपको बता रहे हैं साथ साथ की क्या चीजें इस्तेमाल करनी है। एक तो हस्बैंड के लिए खीर और ये जो बताया है। हाँ। और दूसरा फिर ये कुछ खवातीन के लिए चीजें, इसमें क्या है हकीम अहमद सलीमी साहब? इसमें जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं उसके लिए, और एक हमारी जो हर्बल मेडिसिन में जो खूबी है, डॉक्टर साहब भी सेकंड करेंगे, कि ये डायरेक्ट हार्मोनल मेडिसिन नहीं होती है। अच्छा। ठीक है। ये इसमें ये जो हम यूज करते हैं मसलन, इसमें हमारे पास एक असगंध है, स्थावर है, ये चीजें जो, और उशबा एक चीज है जिसे सार्सप्रेला भी कहते हैं, असारून है, ये एक दवा हर्ब है। तो ये जो चीजें हैं ये प्रीकर्सर के तौर पर काम करती हैं। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर बॉडी में कोई हार्मोनल डेफिशिएंसी हो रही है तो उसको ये उस मतलूबा ग्लैंड को एक्टिवेट करें और वो हार्मोन को जी प्रोडक्शन एक्टिवेट कर दें। ठीक है। तो इस तरह, और ये फेलोपियन ट्यूब्स के मसाइल होते हैं, और अगर तो सर्जरी तक का मामला नहीं है और मेडिसिन से हल हो सकता है तो उसके लिए एक मैं ये एक निशानदा दे रहा हूँ, जो खासतौर पर जो फीमेल डिसऑर्डर्स में जो बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं होती उसमें एक मसला वो फेलोपियन ट्यूब्स का बंद होना है, वो बंद होना है या उसमें रुकावट होना है या उसमें शेप का मसला होता है। तो उसके लिए मेथरे आ गए यहाँ पे। जी मेथरे जो मेथरे और जो जो है ये एक अनिसू है। अच्छा। अनीसू। अनीसू। और ये तो उसकी तरह का है, अजवाइन की तरह का। ये सौंफ है। अच्छा। और ये भी अजवाइन क्रफ्स होती है। ठीक है। क्रफ्स। हाँ जी। तो ये क्रफ्स और ये वाली अजवाइन में क्या फर्क है? ये अलग अलग चीजें हैं, दो बिल्कुल अलग अलग प्लांट है जी। अच्छा। अनीसू और ये क्रफ्स। अच्छा। और ये खरबूजे के बीज। खरबूजे के बीज। अच्छा। इन सबको क्या, ये सारी चीजें हम ये 5-5 ग्राम लेकर चीजें, और इनको 1.5 पाव पानी में हम बॉइल करेंगे। जब पानी तीसरा हिस्सा रह जाए यानी कि आध पाव पानी रह जाए तो उसे छान कर इस्तेमाल करेंगे। और इसको क्या करेंगे? ये सारी चीजें इसमें डाल देंगे। ठीक है। हम ये जो शानदार बनाने के लिए। ठीक है। ठीक है। सो हमने इसमें डाल दिया सबसे पहले, पहले हमने पानी डाला। ठीक है। 1.5 पाव करफस। हाँ जी। जिसे अजवाइन भी कहेंगे। अजवाइन करफस। ठीक है। ठीक है। और ये अनीसून। अनीसून। ठीक है। मेथरे। मेथरे डल गए, साबित मेथरे जिसे कहते हैं। अच्छा। और जो डल गया, और इन सब को हमने इतना पकाना है कि पानी जो है वो तीसरा हिस्सा रह जाए। और सौंफ। और सौंफ। ठीक है। और ये खरबूजे के बीज आपके हाथ में है। अच्छा, खरबूजे के बीज। ये भी। और ये छिलकों समेत है। जी, ये छिलकों समेत। ठीक है। ठीक है। ये हमने इसको डाल दिया। बेहतर ही होता है कि यहाँ पे चूंकि है नहीं, थोड़ा सा इसको हल्का सा कूट लें तो और ज्यादा बेहतर होता है, अदरवाइज ऐसे भी थोड़ा जितना हमने यानी इसको कूट के बना के रख लें और रोजाना थोड़ा सा डाल के तो इनको कावा बना लिया। इनका कावा निशानदा इसे कहते हैं। निशानदा कितना कप इस्तेमाल किया जाए कावा? ये आधा कप। ये जब पानी बचेगा आधा कप इसका ना, जब ये बॉयल हो जाएगा इसका तीसरा हिस्सा पानी रह जाएगा तो वो 1 कप के करीब ही पानी बचेगा, आध पाव पानी जो होता है। ठीक है। उससे आप चाहें तो शहद से मीठा करके इस्तेमाल कर लें, अगर वैसे टेस्ट ठीक है तो वैसे इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल। इसके अलावा भी कुछ और है जो खवातीन के लिए आप बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। इसके अलावा जो है मैं हम ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ और चीजें ऐसी घर में, ऐसी किचन में या फिर छोटी छोटी हर्ब्स जिनको घर में इस्तेमाल करके आप फायदा हासिल कर सकते हैं। और न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर अजमत हमें गाइड कर रहे हैं, डॉक्टर साजदा शाह नवाज हमें फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डॉक्टर इंतखाब साइकोलॉजिकल इश्यूज हमें आते हैं। डॉक्टर साहब मैं वापस आपकी तरफ भी आना चाहूंगी अभी ये बातचीत करते हुए कि अगर किसी खातून को, हम कहते हैं औरत जो है घर की इज्जत है, बहू है, बेटी है, माँ है, लेकिन अगर उसे घर में तंग किया जा रहा है और वो बहुत ही परेशानी की सूरत हाल में, कैसे अपने आप को रिलैक्स और मुतमईन करे जबकि उसको ताने भी सुनने पड़ रहे हैं, उसको थ्रेट्स भी मिल रही हैं, हम तो दूसरी ले आएंगे और हमें तो अपनी नस्ल चलानी है। आपसे इस बारे में गाइडेंस चाहिए होगी। उससे पहले ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और फिर आपसे मुलाकात। सुबह हो बहकने वाला है, कोई अपना आने वाला है।
खुश आमदीद एक नई सुबह में जनाब। आज हम बात कर रहे हैं बांझपन के मसाइल, मर्दाना हो या जनाना हो, क्या वजूहत होती है, उनका क्या इलाज है, और ऑफर कर रहे हैं अपने तमाम देखने वालों को कि अगर आप इलाज करवाना चाहते हैं और आप समझते हैं आपके इतने वसाइल नहीं है तो हम आपको ऑफर करते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स आपका फ्री ट्रीटमेंट करेंगे। आप हमसे रब्ता करें स्क्रीन पर सामने नजर आने वाले नंबर से, और हम दुआ भी करेंगे साथ के अल्लाह ताला हर घर को औलाद की खुशियां जो है वो जरूर नसीब करें। वैसे अंबिया ने दुआ जो है औलाद मांगी थी अल्लाह ताला के लिए, हजरत जकरिया ने भी जो दुआ की थी ये कि मुझे अपने वारसों से डर रहा है कोई दे जो मेरे मामलात को बाद में चलाता रहे। हजरत इब्राहिम ने भी यही दुआ मांगी थी कि ऐसी औलाद जो बाद में इमाम हो, और लेकिन हम औलाद मांगते हैं इसलिए कि हमें दुनियादारी में चाहिए होती है कि हमें घर से निकाल ना दें, हमारा पांव मजबूत हो जाए, लेकिन जिसलिए भी है औलाद एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला सबको ये नेमत दे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आई दूसरी कॉल दे दें। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, नहीं अभी कॉल कनेक्ट हो रही। डॉक्टर इंतखाब, मैंने आपसे सवाल किया था, खवातीन स्ट्रेस्ड आउट होती हैं, प्रेशर, ताने, दबाव, थ्रेट्स, खौफ, क्या होगा मेरा, कुछ होगा या नहीं होगा, तो कैसे वो अपने आप, आप कह रहे हैं रिलैक्स होना बड़ा जरूरी है उसका, वो कैसे अपने आप को रिलैक्स करें? देखिए ये बहुत जरूरी है कि बदकिस्मती से मुआशरे में औरत के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है और उनको बहुत ज्यादा मुरीद इल्जाम ठहराया जाता है, तो उसकी इसकी वजह से बहुत ज्यादा नफसियाती कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं। तो पहली तो बात यह है कि औरत को, कोई भी खातून हो, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने ऊपर एतमाद करें कि ठीक है ये इशू है लेकिन इसका हल जो है वो मौजूद है। अच्छा। नंबर एक, और नंबर दो बात यह है कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ सलाहियतें मुहैया की हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आप उनको अंडरस्टैंड करें और उनको रिकग्नाइज करें और उनके ऊपर तवज्जो दें। नंबर तीन बात यह है कि आपके गिर्द ऐसे लोगों का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है जो कि बहुत पॉजिटिव बातें समझते हैं और करते हों, तो अगर ना हो तो फिर क्या करें? हाँ, उसके लिए जरूरी है कि इसके अलावा जो स्टेप्स हैं वो ये हैं कि अगर आपकी माइल्ड बहुत मयाना रवि की एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है, उसके लिए जो मोडेलिटीज वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि जैसे एक्सरसाइज है, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा है, मेडिटेशन है, ये वो चीजें हैं कि जिनके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चहलकदमी करें, बाहर निकल जाएं, घूमें फिरें और अपनी हॉबीज के ऊपर तवज्जो दें, और अगर आपको अल्लाह ताला ने कोई ऐसा स्किल दिया है उसको इम्प्रूव करें, अगर आपके पास तालीम के मौके हैं तो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। प्रॉब्लम ये होता है कि लोग अक्सर एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर ये होता है कि शादी हुई और हस्बैंड ये कहते हैं अभी तो हमें बच्चा नहीं चाहिए, अभी तो कुछ अरसे के बाद, और कॉन्ट्रासेप्टिव मुख्तलिफ पिल्स या मेडिसिन यूज कर रही होती हैं खवातीन, कुछ अरसे के बाद जब वो चाहती हैं कि अब औलाद हो तो उस वक्त फिर बच्चे नहीं होते, तो क्या इसका कोई ताल्लुक है आप इसमें? बिल्कुल, और क्या करना चाहिए कि शादी के फौरन बाद अगर मियाँ ये कहे कि जी अभी तो बच्चे नहीं चाहिए, अभी तो अभी अभी तो हमारी शादी हुई है? नहीं, बिल्कुल ये एक मियाँ बीवी का राइट है कि वो जब भी अपनी फैमिली प्लानिंग करें, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि खवातीन को ब्लाइंडली कॉन्ट्रासेप्टिव चूज नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मेरा मतलब है कि आपके लिए अगर एक, हम यहाँ पे माशाल्लाह कितनी खवातीन हैं, इनमें से कई मैरिड खवातीन होंगी, और हर एक के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव उनकी इंडिविजुअल नीड्स के मुताबिक होगा। अच्छा, ठीक है, आपको, आपको अगर जिंदगी में पहली दफा कॉन्ट्रासेप्शन करनी है तो एटलीस्ट अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं, एक विजिट जरूर करें। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, ब्लड प्रेशर है, या आपको कोई लिवर का प्रॉब्लम है, तो फिर आप, जाहिर है फिर आप फैमिली प्लानिंग पिल्स नहीं खा सकते। अगर आपकी कोई और ऐसी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप उससे रिलेटेड मेडिकेशन। लेकिन आपके कहने का मतलब ये कि कॉन्ट्रासेप्टिव तरीकों से ये नहीं होता कि उसकी वजह से बांझपन नहीं होता? उसकी वजह से नहीं होता, बाज दफा गलत कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो आपको किसी और प्रॉब्लम में डाल सकती है। हाँ। जैसे कि मैंने कई ऐसे कपल्स को देखा है कि जी मैं पिल्स, मेरे पास कई ऐसी खवातीन आई जिन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं तो पिल्स नहीं ले सकती थी, मैंने देखा कि मेरा बॉडी वेट ज्यादा हो जाएगा, मेरे हस्बैंड कॉन्डम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे तो मैंने कॉपर टी रखवा ली। फॉर गॉड सेक, आप फर्स्ट टाइम पे आप एक इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, आप PID को खुद से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो प्लीज आज के तो मैसेज, मेरा टेक होम मैसेज सब ये लेकर जाएं कि जब तक आपके पास दो बच्चे नहीं हैं आप कॉपर टी ऐसे डिवाइसेस की तरफ मत जाएं। अच्छा, ठीक है, चाहे वो आपको आजकल बहुत ज्यादा चला हुआ है कि ये जी मायरीना है, ये बहुत अच्छी है, ये एक्सपेंसिव है, तो जरूरी नहीं जो चीज एक्सपेंसिव है वो उतनी अच्छी भी होगी। सही,
तो फिर वो डॉक्टर साहब क्या न्यूट्रिशन से कोई फिर हमें कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा तरीका मिल सकता है कि शादी हुई है और अभी अगर फौरी तौर पे नहीं है औलाद की ख्वाहिश? जी बिल्कुल, ऐसे तरीके मौजूद हैं। मैं पहले जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि वो जो कॉपर टी है या इस किस्म के जो कॉन्ट्रासेप्शंस हैं जो ख्वातीन के लिए, मैं तो उसके बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। अच्छा। और मैं इस हक में हूँ कि अगर कॉन्ट्रासेप्शन की जाए तो मेल करे। अच्छा। वैसे बाहर के मुल्कों में एक और उन्होंने बड़ा एक यूनिक वे कॉन्ट्रासेप्शन का इंट्रोड्यूस कराया जो अभी तक मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान में नहीं आया और ये 15-20 साल से मौजूद है। इसमें ये है कि वो इंसर्शन करते हैं एक लिक्विड की जिसको हम नॉन ऑक्सीनल कहते हैं, उसकी छोटी वो भी मिलते हैं और वो एक एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट करता है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। पाकिस्तान में तो इस तरह की चीजें नहीं है? पाकिस्तान में सॉरी ये आ चुका है, आ चुका है, लेकिन आपके ख्याल में ये भी इसमें भी हमें देखना पड़ता है क्योंकि ये भी हार्मोन है ना प्रोजेस्टेरोन, तो इसके भी बाज दफा फीमेल में बड़े साइड इफेक्ट्स आए हैं। ठीक है। होता क्या है, बाज दफा उन लोगों को प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपका भी अर्ली आपका टाइम है, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे वर्किंग वुमेन के लिए बहुत। तो मैं ये समझती हूँ अगर हम समझे ना कि अगर मेल कह रहा है कि मुझे कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए तो दिस इज प्राइमरली Responsibility of that male कि वो खुद करे, खुद करे एटलीस्ट हाँ कॉन्डम या कोई और वो। तो हकीम साहब कोई हिकमत में ऐसा तरीका है? हाँ जी, इस पर पाकिस्तान में NIH में एक स्टडीज भी हुई थी, घूंगची एक होती है मेडिसिन है, तो वो मिलीग्राम में उसका यूज होता है। बता ये है कि ऐसी कोई भी चीज़ें मुआलज के मशवरे के बगैर तो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और लोकल एप्लीकेशन के लिए जो होता है कैस्टर ऑयल, ठीक है जो है ना, वो उसका इस्तेमाल जो है ना वो रहता है इसका प्रिवेंटिव है। अच्छा, और घूंगची को कैसे खाना है? घूंगची को पाउडर करके, ठीक है, तो अगर मिलीग्राम होता है 60 मिलीग्राम, ठीक है, ठीक है, बहुत मामूली पाउडर एक चुटकी, हाँ, नाखून के दाने, हाँ, नाखून के बराबर, तो वो इस्तेमाल करते हैं जो है ना हर जो है ना महीने में एक हफ्ता यूज करना है उसे सुबह शाम दो टाइम, ठीक है, पीरियड्स के बाद। बिल्कुल सही, सही एक हर्बल तरीका जो कि हमने आपके साथ शेयर किया। कॉलर भी है जी डॉक्टर साहब। इसमें एक दो हर्ब्स और हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। एक को तो हम कोहाश कहते हैं लोकल लैंग्वेज में और बाहर उसको ब्लैक कोहोश कहा जाता है, ठीक है, और दूसरा हर्ब है सिनेमन। अच्छा, दारचीनी की अगर आप क्वांटिटी बढ़ा दें तो वो बॉडी में इस तरह एक्ट करता है कि जिसे हम उसको कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के तौर पे। बता रहे थे कि दारचीनी कंसीव करने के लिए भी जी वो थोड़ी क्वांटिटी में, अच्छा थोड़ी क्वांटिटी में, ये आपको तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच के करीब चाहिए। अच्छा, अगर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव उसके लिए दारचीनी इस्तेमाल करनी है तो 1.5-2 चम्मच खाएं। जी 1.5-2 चम्मच। अगर आपने प्रेगनेंसी के लिए करनी है तो सिर्फ आपको 1/4 चाहिए, 1/4 चाहिए। जो प्रेगनेंसी इंड्यूस करने के लिए जो सबसे बेहतरीन ख्वातीन के लिए जो फूड जो कि अवेलेबल ऑन दिस फेस ऑफ अर्थ है वो सोयाबीन है। अच्छा, सोयाबीन, और सोयाबीन पाकिस्तान में लोग अक्सर जानते नहीं है ये है उस तरह, बल्कि मैं तो लेके भी आया था। हाँ जी, आई थिंक पूरी दुनिया में तो इसे जैसे कहते हैं विमेंस वंडर कहा जाता है, इतनी ज्यादा वेट लॉस भी काफी, वेट लॉस भी काफी जी। ये सोयाबीन बिल्कुल लोबिया की तरह है देखने में, मेरे ख्याल में कैमरा इसे दिखा सक रहा है जी, हम देख रहे हैं। और इसको कैसे आप रिकमेंड करेंगे इस्तेमाल करें? इसको ये दाल की तरह पकती है, इसको भिगो के रखना पड़ता है, इसका पानी आप शुरू में फेंक देते हैं मगर उसके बाद इसमें फाइटोइस्ट्रोजेंस हैं बहुत ज्यादा। लेकिन डॉक्टर साहब इसका सोया मिल्क भी तो बनाते हैं कि जी, सोया मिल्क बनता है, टोफू बनता है इसका, हाँ। और इसके इसको लोग बल्कि मैंने तो ये देखा है कि इसके कबाब बनाए जाते हैं। अच्छा। बल्कि पाकिस्तान में मैंने एक दो जगह पे यूं भी देखा है कि लोग इसके सोयाबीन के और मीट के मिला के कबाब बनाते हैं। अच्छा, तो वो ये सब तरीके इफेक्टिव हैं? जी सब तरीके इफेक्टिव। आप सोयाबीन को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए अगर आप प्रेगनेंसी इंड्यूस कराना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं ब्रेक पे जा रही हूँ लेकिन ब्रेक से जब वापस आऊंगी तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगी और डॉक्टर साजिदा आपसे भी कि जिन लड़कियों की शादी होने वाली है या शादी हुई है और वो प्रेगनेंसी चाह रही है उनकी डाइट क्या होनी चाहिए। और एक बच्ची हमारे सामने बैठी हुई, आप क्या जानना चाह रही थी बेटे? वालेकुम अस्सलाम। एम सुग्रा, मैं ये जानना चाहती थी कि कुछ लड़कियां पहले ही ओवरवेटेड होती हैं या फैट बहुत ज्यादा होती है, शादी के बाद प्रेगनेंसी में कोई इशू या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता इसका? हाँ, और शादी के बाद भी वजन बढ़ जाता है बाज़ औक़ात अचानक, पहले तो हमने थोड़ा सा डाइट के साथ कंट्रोल किया होता है। बिल्कुल, तो कोई फर्क पड़ता है? डायरेक्ट रिलेशन है बॉडी वेट से आपके कंसीव करने से, ये भी हम, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रेक के बाद हम इसको एड्रेस करते हैं कि अगर शादी हुई है और शादी के फौरन बाद है तो आपने क्या खाना है ताकि
स्मोकिंग से भी फर्क पड़ता है, स्मोकिंग से, यानी अगर वो कोई पास बैठा हस्बैंड सिगरेट पीता और वो पास बैठी रहती है तो भी उन पे असर पड़ सकता है, पैसिव स्मोकर, पैसिव स्मोकिंग, वेट और इसके अलावा अल्कोहल कंजम्पशन पाकिस्तान में तो रिवाज नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं उसका भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। ठीक है, कफ सिरप भी जरा ध्यान से पिया करें, छोटी मोटी कफ में आप दो दो तीन तीन चम्मच जो कफ सिरप पीते हैं इससे भी फर्क पड़ता है। अच्छा जी, तो हम ये ब्रेक के बाद इन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे, साथ रहिएगा। सुबह बेहतर तो दिन बेहतर, लो जिंदगी गुनगुनाने आई हंसने। खुश आमदी जनाब, आज हम बात कर रहे हैं बांझपन के ऊपर कि क्यों होता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, उसके में क्या खाना है, किस तरह के मसाइल हैं, उन मसाइल का हर्बल इलाज क्या है। हकीम अहमद सलीमी मेरे पास हैं, न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अजमत मेरे पास मौजूद हैं, हमारे पास बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट बल्कि अपना एंड्रोलॉजी सेंटर बहुत बड़ा चला रही हैं और ऑफर भी कर रही हैं आज को, तमाम लोग जो कि रब्ता करेंगे उनको हम फ्री ट्रीटमेंट भी ऑफर करेंगे इस एंड्रोलॉजी सेंटर से। डॉक्टर साजदा शाह नवाज हैं और मेरे साथ डॉक्टर इंतखाब हैं जो कि साइकेट्रिस्ट हैं और हमें इस हवाले से गाइड करें। आप लोग भी सवाल लिए बैठे हैं, बाद में सबने मुझे कहना हमने तो कुछ पूछा ही नहीं, पूछ नहीं सके, कुछ पूछना चाह रहे सवाल है जी। मेरा सवाल है कि प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की वजह से जो मिसकैरेजेस हो जाते हैं, उसका क्या सलूशन है, हकीम साहब के लिए भी और डॉक्टर साहब इसका क्या हल है? देखें, आपने दो चीज़ें कहीं तो मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि दोनों चीज़ों का कंट्रोल, और ये कंट्रोल जो है ये मैं समझती हूँ कि ये आपका प्रेगनेंसी से पहले शुरू होता है। अच्छा, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि पेशेंट आता है ना तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये देखें मैंने शुगर लेवल चेक कराया है, मेरा तो 160 है, उसके ऊपर लिखा होता है कि थ्रेशहोल्ड क्या है 180, अगर वो आपका 180 से ऊपर होगा तो आपके आप एबनॉर्मल है आपका शुगर लेवल, तो वो कहते हैं जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर ने भी बता दिया, यकीन करें डॉक्टर से भी कहा होता है 165 पे आपका शुगर लेवल ठीक है, अब आप बच्चा कर सकते हैं। देखें वो ठीक है, लेकिन आप उसकी एक होती है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c, आप एक टेस्ट है आज ये लिख लें अगर सबके पास कॉपी पेंसिल है कि जो खवातीन डायबिटिक हैं प्लीज़ वो अपना, अगर उनका डॉक्टर नहीं भी लिख के दे रहा, वो अपना HbA1c ज़रूर करवाएं, अगर वो उनका 6 से नीचे आता है तो तब वो प्रेगनेंसी प्लान करें, अगर आप उसको 6 से ऊपर है तो प्लीज फॉर गॉड सेक जब तक आपका शुगर लेवल ठीक नहीं होता, बेशक आपका शुगर लेवल तो कैसे कंट्रोल 140 ही क्यों नहीं आ रहा, लेकिन आपका HbA1c 6.5 है या 7 है तो आप प्रेगनेंसी प्लान ना करें। सही, तो कैसे कंट्रोल करें, कंट्रोल के लिए डॉक्टर कुछ आप रिकमेंड करें? शुगर कंट्रोल करने के लिए जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें ख्वातीन के लिए सिनेमन बहुत बेहतरीन है, मर्दों के लिए फिनोग्रीक बहुत बेहतरीन है, यानी जो आपने मेथी दाना और दालचीनी पहले, उसके अलावा एक नेचुरल न्यूट्रिएंट्स के अंदर 2-3 चीजें मिलती हैं, क्रोमियम जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसके बाद वेनेडियम एक है, उसके बाद एक गुड़ मार ब्यूटी होती है जिसको हम जिमनीमा कहते हैं, ये सारी शुगर को लॉन्ग टर्म कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। गुड़ मार ब्यूटी को कैसे इस्तेमाल करें? गुड़ मार ब्यूटी का आप पाउडर बनाते हैं और आधा चम्मच आप सुबह दोपहर, आधा चम्मच दोपहर, आधा सुबह और आधा शाम को आप लेते हैं, 400-500 मिलीग्राम लिया जा सकता है, ठीक है। सो ये आधे हकीम, आधे क्या पूरे हकीम है आप? जी, न्यूट्रिशनिस्ट हकीम ही होता है जी, जी, जी। इसमें एक जो रेमेडी है वो मेथरे, कासनी और कलवंजी, अच्छा, ये तीन चीजों का पाउडर करके रख लें, सही, वो सेफ है, सबसे पहले ये डरने की बात नहीं है, ठीक और है। हम वजन, जी हम वजन कर लें, और ये 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम खाने से आधा घंटा पहले। ये किस चीज के लिए? शुगर के लिए, शुगर के लिए, ठीक है। जिनको शुगर ज्यादा रहती हो तो वो ये 7 सप्लीमेंट लाजमी करें, ये बड़ा फायदेमंद चीज है। बिल्कुल सही, सही से फर्क पड़ेगा। आप कोई सवाल करना चाह रही हैं? जी मैं इनसे डॉक्टर साहब से ये सवाल करना चाह रही हूँ कि जब से मेरी शादी हुई है और मेरे ससुराल वाले इतना डिस्टर्ब, ससुराल भाई शॉपिंग करने जा रहे हैं तो उसके घर औलाद नहीं है, ऐसे छोड़ दो, अपने बेटे को कोई शादी दूसरी कर लें और इसके घर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आप चेंज कर लें, तो लास्ट में एक हस्बैंड ही रह जाता है जो औरत अपनी का मिसिस का अपने साथ देता, लास्ट में वो भी जब अपनी मिसिस से बोल दे जी मैं शादी दूसरी कर रहा हूँ, आप तो इस काबिल नहीं है कि शादी नहीं हो रही, तो औरत तो डिप्रेशन में आ जाती है ना, तो उसका क्या सलूशन है डॉक्टर साहब? क्या हल है? और आप पूछ रही थी कि डिप्रेशन के लिए आपने मेडिसिन खाना शुरू कर दी थी, मतलब इतना डिप्रेशन कि आपने नींद की गोलियाँ खाना शुरू कर दी? अच्छा, और फिर उसके बाद क्या हुआ?
ज़्यादा मेरे दिमाग पे वो हो गई, तो फिर मुझे ना नींद नहीं आती थी, सारी सारी रात मैंने जागना, भूख नहीं लगती थी मुझे। अभी भी ले रही हैं आप नींद की गोली? मैं मुसलसल ले रही हूँ, अगर मैं वो मेडिसिन नहीं ना खाती तो बस ऐसे जैसे पागलों वाला हाल होता है, छोड़ने की कोशिश करती हूँ लेकिन अब वो मेडिसिन नहीं छूटती। डॉक्टर इंतखाब कैसे ये इसमें? थैंक यू, आपने बहुत पहले, मैं आपकी बात का अगर इनका जवाब दूं कि देखिए ये बहुत बदकिस्मती की बात है, आप जिस कंडीशन में हैं ये बहुत बहुत मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कहते हैं कि ऐसे इश्यूज को डील करने के लिए आपको एक कंबाइंड अप्रोच लेना बहुत जरूरी है, इसमें स्पाउस की सपोर्ट होना बहुत जरूरी है और फैमिली को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप ऐसी सूरत हाल में हैं जहां पे आप इसको डील नहीं कर पा रही, तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसको देखिए कि ये कोई हर चीज का एंड नहीं है, ये इसका इलाज भी मुमकिन है। ये बहुत जरूरी है कि आप इसके ऊपर बात करें, आपके पास जो लोग हैं उनसे बात करें। अगर एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पहले जो मैंने टेक्निक्स बात की कि आप इसके ऊपर बात करने के अलावा मेडिटेशन करें, वॉक एक्सरसाइज, और अगर ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उसका। जी ये बातें तो पहले हो चुकी है, वो सवाल ना करें, फिर हमें वही बातें दोबारा करनी पड़ती है। मैं इसी की स्फीयर आपको काइंड बता रही हूँ, मैं तो बाकायदा न्यूरोसर्जन से ट्रीटमेंट ले रही हूँ। मेरे इस डिप्रेशन में रहने की वजह से उन्होंने मुझे एंटी वो जो आ रही है दिया हुआ, कोई भी एंटी डिप्रेशन नहीं दिया, उन्होंने मुझे जो मिर्गी के लिए एंटी एपिलेप्सी देना शुरू कर दी, क्योंकि मेरे स्पॉटिंग आ गई ब्रेन पे, व्हाइट स्पॉट्स आना शुरू हो गए इसी टेंशन की वजह। जी इसी टेंशन की वजह से, क्योंकि उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत सारे टेस्ट कराए हैं, वो नहीं आए। अच्छा, शुरू में ये आया था सिर्फ इतना कि एक साइज, आप क्या करना चाह रही हैं कि एक साइज छोटा। अच्छा, एक साइज छोटा था, उसके लिए मुझे डॉक्टर ने विटामिन ई और फॉलिक एसिड दिया और एक आध माह का कोई कोर्स किया, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं दिया मुझे। बिल्कुल सही, हम इसको डिस्कस करते हैं डॉक्टर साजिदा आपके साथ भी और हकीम साहब आपके साथ भी, डॉक्टर साहब आप डॉक्टर अजमत भी गाइड करेंगे, लेकिन पहले ब्रेक ले रहे हैं। अब बातें होंगी तब आकर सुबह हो बेहतर तो दिन बेहतर, लो जिंदगी गुनगुनाने खुश आमदीद। एक नई सुबह में आज हम बात कर रहे हैं फर्टिलिटी बांझपन के ऊपर के क्या मसाइल हो सकते हैं। अगर आप कॉल करना चाहें और हिस्सा बनना चाहें शो का, हम ऑफर कर रहे हैं कि डॉक्टर साजिदा शाह नवाज के एंड्रोलॉजी क्लिनिक से आपको फ्री ट्रीटमेंट की ऑफर की जाएगी। वो तमाम कपल्स जो कि फ्री इलाज में दिलचस्पी रखते हैं, हमसे स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम फैज है, मैं ठीक हूँ, सगोदा से बोल रही हूँ। जी फैज। मैं, हाँ जी, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, तो मेरे 2 बेटे हुए हैं इस दौरान। ठीक है। एक बेटे की डेथ हो गई थी, उसको दिमागी प्रॉब्लम था इनकफेलिक, और दूसरा बेटा मेरे पास है लेकिन वो भी माइक्रोकफेलिक है। ठीक है। मेरा ये सवाल है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों में जो दिमागी अमराज होते हैं, इसके लिए कोई टेस्ट वगैरह या कोई चीजें, क्योंकि मुझे आगे भी चांस है, हम लोगों की कजन मैरिज है, जिस डॉक्टर के पास जाए वो कजन मैरिज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, आप साथ में आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है, अब इसका क्या हल डॉक्टर साहब बताएंगे? जी बिल्कुल, इसको हम डील कर रहे हैं, ये है जेनेटिक इशू, तो हम इसको प्री जेनेटिक डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, और ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी टाइम हम इसमें CVS एक टेस्ट होता है और एमनियोसेंटेसिस है, और इसके अलावा फीमेल के ब्लड टेस्ट होते हैं, इससे हम काफी हद तक उस फीमेल की हेल्प कर सकते हैं। 3D अल्ट्रासाउंड आ गए हुए हैं, उसमें बहुत फिर आपको पता है 3D अल्ट्रासाउंड में थोड़ा सा लेट पता चलेगा ना, हम पेशेंट का 10 वीक्स पे भी पता कर सकते हैं कि इसको कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, और इवन ऐसी फीमेल जो है वो हमारे पास बिफोर प्रेगनेंसी हमारे पास आए, हमारा जो सेंटर है वो ना सिर्फ इसको एंड्रोलॉजी एंड इनफर्टिलिटी को डील कर रहा है, बल्कि ये जेनेटिक्स के इन इश्यू के ऊपर भी एड्रेस कर। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, 1940s में ये पहली दफा रिसर्च हुई थी कि ख्वातीन को जो आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, और जो खास तौर पे सल्फेट फॉर्म के होते हैं, फेरस सल्फेट या फेरिक सल्फेट, जिसमें SO4 या SO3 लगा होता है साथ, वो एक खातून के जिस्म में से वाइप आउट कर देता है ऑक्सीजन के लेवल्स, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है। अच्छा। तो आपका जो बेबी है, फीटस जो है, उसको
जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो माँ के ब्लड के थ्रू होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है आयरन कौन सा वाला लें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? आयरन, मेरी ये गुजारिश है और मैं ये अवेयरनेस देना चाहूंगा कि अगर आयरन लें तो ऐसा आयरन ना लें जो कि सल्फेट है। आयरन के बारे में एक और बात भी बताना चाहूंगा, जो मसलन आपकी जो वालदा थी उनके अंदर आयरन के ऊपर अगर निशान लगा दिया जाता तो आज वो फोर्थ जनरेशन में उसको हम बॉडी में ढूंढ सकते हैं। अच्छा। बॉडी इतनी जेलसली इसको कंजर्व करती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का कम हो जाना एक प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल फिनोमेना है, इस पे पैनिक नहीं करना चाहिए। सही। और आपको जरूर लेनी चाहिए, किसी डॉक्टर से मशवरा करके लेना चाहिए। और जब भी आयरन लें तो ऐसी फॉर्म का लें जिसको हम चेलेटेड आयरन कहते हैं, आयरन बाउंड विद एन अमाइनो एसिड। और वो क्या होगा, कोई एक फॉर्मूला बता दें? मसलन बहुत ज्यादा मिलते हैं, एक मोलेसेस राब जिसको कहते हैं, ठीक है, जो गुड़ जब वो शुगर मिलों से जब शुगर बन जाती है तो एक काले से रंग का सिरप होता है जिसको वो गांव में फेंक देते हैं या वो जमीन में डाल देते हैं या बाहर वाले लोग उसको ले जाते हैं और उससे वो स्पिरिट्स बनाते हैं। वो बेहतरीन सोर्स ऑफ आयरन है और अल्लाह का बनाया हुआ एक वंडर फूड है। अच्छा। उसके अलावा आयरन के और बहुत सोर्सेज हैं जिसमें वेजिटेबल्स हैं, मगर अगर आयरन का आपको सप्लीमेंट लेना पड़ जाए तो अपने डॉक्टर को ये कंसर्न जरूर बताइए कि जी मैंने ये सुना हुआ है और मुझे चेलेटेड आयरन दिया जाए या आयरन ऐसी फॉर्म में दिया जाए जो मेरे लिए सेफ है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, वो कैसे नींद की गोलियों से जान छुड़ाएं? जी, उसका सेकंड्स में बिल्कुल सिंपल बात यह है कि नींद को इम्प्रूव करने की कुछ टेक्निक्स हैं। हाँ। जिनको स्लीप हाइजीन टेक्निक्स कहा जाता है, जिसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं कि चाय और तंबाकू नोशी और कॉफी का इस्तेमाल स्पेशली शाम के वक्त उसको कम करें, एक्सरसाइज एंड वेट लॉस, सोने से पहले टीवी देखना या सेल फोन देखना, ये ईमेल चेक करना, ये कुछ चीजें ऐसी हैं, और खास तौर पे नॉइस पोल्यूशन जो आवाज है उसको कम करना। बिल्कुल सही। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोग साथ रहे, हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने की कोशिश की लेकिन इतना बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें अभी भी बाकी हैं। हम इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में फिर इसको टच करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ यही आपकी हर सुख खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर। मिलेंगे इंशाल्लाह कल फिर, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।